नमस्कार, मैं हूं वंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया न्यूज चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। राहुल और आकाश के हत्यारों को सजा की मांग को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। शहर के चर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में सोमवार को चांचौरा मोड़ से शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में युवकों ने हाथों में कैंडल एवं तख्ती लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कैंडल मार्च समाज सेवी गौतम कुमार एवं शिशु किशोर के नेतृत्व में चांचौरा से होते हुए शहर के नवागढ़ी बहुआर चौरा, कोयरी बारी, पीर मंसूर रोड सहित जीबी रोड होते हुए टावर चौक पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में परिणत गई। मालूम हो कि चार दिन पूर्व अपराधियों ने गया शहर के चांचौरा मोहल्ले के रहने वाले दो युवक राहुल और आकाश को हत्या कर दी गई थी। साक्ष्य छुपाने के लिए अपराधियों ने हत्या कर टनकुप्पा थाना क्षेत्र में सड़क पर फेंक दिया था ताकि पुलिस को सड़क हादसा लगे। हालांकि दो मृतकों के पिता राजू यादव और तारकेश्वर सिंह के बयान पर तिरेल यादव सहित पांच लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कैंडल मार्च में विभिन्न सामाजिक संगठनों, कई गणमान्य व्यक्ति एवं सैकड़ों युवक शामिल हुए। प्रवीण ओझा, ब्यूरो समाचार इंडिया। और राहुल बुला करके धोखे से गया शहर में पहली बार इस तरीके का हत्या मैंने अपनी आंखों अपनी नजर के सामने ऐसी वारदात होते हुए घटनाक्रम इस तरीके से दो दो परिवार का कोख को सूना कर देने वाली निर्मम हत्याएं, ऐसी घनघोर अपराधी को, ऐसे क्रूर अपराधी को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। हम लोग एक कैंडल मार्च के माध्यम से पर्यंत मोहल्लेवासी और गया शहर के वासी कैंडल मार्च के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं बिहार सरकार के सुशासन बाबू और जिला प्रशासन को कि सात दिन के अंदर अपराधी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो इस तरीके के वारदात से कई एक परिवार का कोख सुना हो सकता है। ये आम दिन की घटना, आए दिन की घटना होती हो गई है। हर रोज कुछ न कुछ शहर में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती है। और मैं जिला प्रशासन से कैंडल मार्च के माध्यम से ये मांग करता हूं कि परिवार को न्याय मिले और उसको कठोर से कठोर सजा मिले। आपने परिचय बताया। शशि किशोर, गया शहर ही नहीं, पूरे गया जिले में विगत 15 दिनों से जो हत्या, बच्चा चोर के नाम पर मौत, बिचिंग की घटनाएं, मोहनपुर में बलात्कार की घटनाएं से पूरे गया वासी आज आक्रोशित हैं। गया वासियों में ये उम्मीद जगी थी कि बिहार सरकार ने मगध जोन के लिए एक नए पुलिस आईजी का पदस्थापन किया है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो ये गया जिला है इसका लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि विगत चार दिनों पहले चांचौरा मोहल्ले के दो युवा जो कि ग्रेजुएशन एक किए हुए हैं और दोनों पढ़ने लिखने वाले इनोसेंट विद्यार्थी थे, एक का नाम आकाश सिंह था और दूसरे का राहुल यादव, ये दोनों को टनकुप्पा थाना क्षेत्र के बरतारा में अपराधियों के द्वारा पीट पीट करके निर्मम हत्या कर दी गई। और कल रात में उसी थाना क्षेत्र के महेर में गया शहर के प्रतिष्ठित परिवार जो कि लतीफुर रहमानपुर विधायक के परिवार ज्वार के पास तकिया गांव में अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, उनके पूरे परिवार को, चार नौजवान को, मोहम्मद गुड्डू, मोहम्मद लियाकत, ये सबों को बच्चा चोर कह करके पूरी तरह पीटा गया। आज वो मौत से संघर्ष कर रहे हैं, किसी का रांची स्थानांतरित किया गया है, किसी को पीएमसीएच पटना स्थानांतरित किया गया है। और दूसरा कि मोहनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ छह छह गुंडे ने रेप किया और उस नाबालिग को विगत एक हफ्ते से दबाव बनाया गया और अंत तो तब हुआ कि उल्टे उस गांव का पंचायत ने उस नाबालिग लड़की का सर मुड़वा करके पंचायत में घुमाने का काम किया। तो आज गया जिले के सभी राजनीतिक दल,
सामाजिक संगठन, सभी जनप्रतिनिधि, ह्यूमन राइट्स, सभी लोग एकजुट होकर के इस विशाल कैंडल मार्च निकाल करके कुमकंदरी निद्रा में जो स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार खोई हुई है उससे मांग करना चाहती है कि आकाश और राहुल के हत्यारे को अविलंब फांसी दिया जाए और मॉब लिंचिंग घटनाओं को रोका जाए और बलात्कार जो किया है उसे भी फांसी की सजा दी जाए। जय हिंद, जय गया शहर की महान जनता।